हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द एविजर्ड एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अगर आप गणेश ओपन बोर्ड के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका पेपर कोड है 336, बनाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा डाटा एंट्री ऑपरेशन की एक सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल को। प्यारे बच्चों, अगर आप अक्टूबर सन 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पाएंगे, जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल ये दिखा रहा हूं, सेम टू सेम आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर उतार देना है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 60 नंबर का ये आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, 40 नंबर की आप लोगों की थ्योरी होती है, और आप लोगों को 60 में से आराम से 55-50 नंबर मिल जाएं, उसके लिए ये जरूरी है कि आप एक अच्छी सुंदर प्रैक्टिकल फाइल तैयार करें और आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएं। उसके लिए ये वीडियो जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसमें ये जो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये जो आपका प्रैक्टिकल फाइल है, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल, उसको अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर उतार देना है। डेकोरेशन अच्छी रखनी है, सुंदर राइटिंग में उतारना है, और किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको वीडियो देखकर इन क्वेश्चंस को उतारने में दिक्कत आ रही हो, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में दिक्कत आ रही हो, ऐसे स्टूडेंट्स अगर फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर, मैं अपने व्यूवर्स को जो है फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी प्रैक्टिकल फाइल दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख पाएंगे, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वन है, और इस प्रैक्टिकल वन को यहां पर जैसा दे रखा है, सेम टू सेम आप देखकर अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर उतार दीजिए। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो एज इट इज आप यहां पर उतार देंगे प्रैक्टिकल टू। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इसको भी आप देखकर ऐसे उतार देंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर किसी भी तरह की कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, और जो आप लोगों को इस प्रैक्टिकल के अंदर जो डायग्राम दिखेंगे, उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और जो है उसको बना भी सकते हैं, अगर आप लोगों की पेंटिंग अच्छी है तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर पिक्चर वगैरह का जो यूज हो रखा है, उसका आप या तो प्रिंट आउट निकाल लें, या फिर आप इसको देखकर बना सकते हैं। एक प्रैक्टिकल फाइल के अंदर टोटल 10 प्रैक्टिकल सॉल्व करने होते हैं, और ये 10 के 10 प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को आज की वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप इसका फ्री में पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंपल तरीका है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, कि आपको बस करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और लाइक सब्सक्राइब किए हुए चैनल को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर आप जो है मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूं। व्हाट्सएप पर ही आप लोगों को इसका फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप इसी तरीके से बाकी सब्जेक्टों के भी पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके पीडीएफ के जो चार्जेस हैं वो 50 रुपीज पर सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वगैरह आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट आप लोगों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जो है फ्री में इसका पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। उतार लीजिए, अगर आप वीडियो देखकर इन क्वेश्चंस को उतारना चाहते हैं, तो वीडियो देखकर आप उतार लें। सभी के सभी 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, और सेम आप लोगों को अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर इसे उतार देना है। ये देखिए, जैसा दिया है सेम टू सेम आप इसको उतार दें प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। अब आइए, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे डेकोरेट करनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो यहां पर आप देख पाएंगे, मेरे पास एक प्रैक्टिकल फाइल है एक स्टूडेंट्स की, किस तरीके से डेकोरेट कर रखा है आप यहां पर देख पाएंगे। उसी तरीके से आपको भी डेकोरेट कर लेना है। डेकोरेशन का तरीका कोई भी हो सकता है, इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। आपको फ्रंट पेज पे लिखना है अपने सब्जेक्ट का नाम, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेशन 336, जिसका पेपर कोड है। उसके बाद लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल, आपका जो स्टडी सेंटर होगा, जो भी स्कूल का नाम है वो लिख सकते हैं, या फिर उसका आप कोड भी लिख सकते हैं। अंदर जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे, पिक्चर वगैरह का भी यूज कर रखा है, एक साइड लिख रखा है, एक साइड पिक्चर है, तो आप भी जो है बना सकते हैं, पिक्चर का यूज करें अच्छे से।
ये देखिए इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, सुंदर प्रैक्टिकल फाइल बननी चाहिए, ठीक है। और जो भी आप इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल परचेज करके लेकर आएंगे उसमें ये वाला कंटेंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको उतार देना है, ठीक है। पिक्चर वगैरह भी इसके अंदर दे रखा है और ये सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री है। बस आपको करना ही है कि भाई आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सेंड कर दे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है जिससे कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सके। तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को एनएस ओपन बोर्ड से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो मिलती रहे। और अगर आप एक बार में पास होना चाहते हैं बिना किसी कंपार्टमेंट के तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं आप लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, एग्जाम नोट्स दूं, तो वो आप लोगों तक टाइम पर पहुंच सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो मैंने आप लोगों को जो है सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ पर देख पाएंगे ये प्रोवाइड करवा दिए हैं, 10 के 10 प्रैक्टिकल आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आप लोगों की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा।